हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। और तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। इलेक्शन का प्रचार चल रहा है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर लेती हूँ, ऑन करी तो प्रचार वाले आ गए, फिर आ जाएगा कॉपी। आ जाइए फ्रेंड्स, चाय पी लें और ब्रेड खा लें। बटर के साथ मैंने ब्रेड को सेका है। सोनी इज कमिंग, वो आई है, टिकटॉक पे वीडियो बनाएगी है। वो टिकटॉक पे फेमस होना चाहती है। और कितने फॉलोवर्स हो गए सोनी? 48 हो गए। तो प्लीज उसे टिकटॉक पे फॉलो करें और मुझे भी फॉलो करें। मेरे तो 40 फॉलोवर्स हैं और मैं तो बहुत ही रेयर ही कभी कभी बनाती हूँ टिकटॉक पे वीडियो। आज सोचा था बनाऊंगी पर फिर काम करके फिर मैं सो गई। फॉलोवर्स बढ़ते हैं फिर कम और उसके फॉलोवर्स बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं, तो उसे फिर बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो प्लीज़ यार उसे टिकटॉक पे फॉलो करें। तुम्हारी आईडी क्या है? क्यूट गर्ल सेवेंटी वन पे उसे आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं अंकिता धामा 7 से आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगी या लगा दूँगी, तो आप जाके टिकटॉक पे 49 फॉलोवर्स हो गए उसके। तो मैंने जस्ट चाय पी है, फिर मम्मा का कॉल आ गया था, मम्मा से बात करती रह गई। तो मम्मा से बात करने के बाद अब मैं खाना, उसने गाना चला दिया था फिर यानी आ जाता कॉपीराइट, तो वो मैंने उसका बंद करवाया थोड़ी देर। और अब हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू सोयाबीन की सब्जी और रोटी बनाएंगे, बस और कुछ नहीं। और 5:15 का टाइम हो चुका है तो मैंने सोचा चलो सब्जी वब्जी काटना शुरू करते हैं। और उससे पहले थोड़ी सी आपसे बातचीत कर लेते हैं और सोनी से आपको हाय कराते हैं। सोनी हाय कर दो भाई। हाय। आ गई फोन में? आई तू? ये तो रही कह रही आई एम बिजी। तो चले हम अपना काम शुरू करते हैं और इसको टिकटॉक पे वीडियो बनाने देते हैं। तो चले किचन में। सोयाबीन भिगो के रख रही हूँ मैं, जब तक आलू वगैरह चॉप काटूंगी और ऑनियन वगैरह चॉप करूंगी तब तक सोयाबीन भिगो देती हूँ, ठीक है। और सोयाबीन की सब्ज़ी इन्हें बहुत बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन चावलों में भी सोयाबीन हो तो इन्हें बहुत पसंद है, तो इन्हें मैं भिगो के रख देती हूँ। तो सब्जी में तड़का लगाने के लिए रिफाइंड ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा हींग ऐड करूंगी। हींग ऐड करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा जीरा ऐड करूंगी और थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूंगी। जब जीरा और अजवाइन भुन जाए तो इसमें मैंने जो अदरक का पेस्ट इमाम जस्ते में कूट के डाल तैयार किया है वो ऐड कर दूंगी और उसे थोड़ा सा चला के भून लूंगी। फिर इसमें मैं सूखे मसाले, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला ये सब ऐड कर दूंगी और साथ ही मैंने जो टमाटर और हरी मिर्च काट के रखा है वो भी डाल दूंगी और इसे अच्छे से चला दूंगी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, यहाँ पर पानी मैं थोड़ा ही लूँगी ताकि इसमें हमारे टमाटर अच्छे से गल के तैयार हो जाएँ। और इसे मैं और भूनूंगी जब तक इसमें से तेल अलग ना होने लगे और हमारे टमाटर भी गल जाएंगे। और जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए तो मैं इसमें जो हमने आलू काट के रखे हुए हैं और सोयाबीन जो हमने भिगो के रखे हुए थे वो डालकर
अच्छे से सब्जी को चला दूंगी और इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। आप पानी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो आप कम पानी ऐड करें, थोड़ा ही पानी ऐड करें, और अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं अंदाजे से। तो मैं यहाँ पर आलू और सोयाबीन डाल दिए हैं और पानी भी मैंने आवश्यकता अनुसार, क्योंकि मैं थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ तो मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। और उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा के, तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब कुकर का ढक्कन लगा के मैं दो विसल पूरी दूंगी और तीसरी पे गैस रोक दूंगी। और मैं कस्तूरी मेथी डालना भूल गई थी तो मैंने ऊपर से कस्तूरी मेथी डाल दी है और अब मैं ढक्कन लगा दूंगी, दो सीटी लगा दूँ। काम काम बस काम, यही ज़िंदगी होती है एक लड़की की जो हाउसवाइफ होती है और जो वर्किंग वूमेन भी होती हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ बाहर का काम करती है, नहीं भाई नहीं, वो घर का भी करके जाती हैं और बाहर भी मैनेज करती हैं। सल्यूट है वर्किंग वूमेन्स को भी और हाउसवाइफ को भी। हाउसवाइफ ये नहीं कि कुछ काम नहीं करती, लोग कहते रहते हैं क्या करती है पूरे दिन घर में बैठी रहती है। अरे भाई एक दिन आप हाउसवाइफ बन के देखो, उनकी तरह काम करके देखो, पता चल जाएगा क्या करती है पूरे दिन। सुबह उठते ही किचन में, दोपहर को किचन में, शाम को किचन में, किचन 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 किचन, और फिर वही दोबारा से दोबारा वही मॉर्निंग में उठो, वही सारा रूटीन दोबारा से शुरू हो जाता है। और हर कोई सोचता है कि हाउसवाइफ की ज़िंदगी बहुत इजी होती है, कोई इजी नहीं होती है, प्लीज़ एक बार जी के देखो, ठीक है ना। और मैंने सारा काम कर लिया, रोटी बनानी रह गई, सब्ज़ी बना दी, आटा लगा दिया है, आटा लगा के रख दिया है और बस यही है। मौसम ऐसे ही हो रखा है इस बार, तो मौसम ऐसा ही है। डांडिया शायद आज बर्तन भी वॉश कर दिए मैंने साथ के साथ, लोग अपने धार वार काटने का टाइम, यानी गाय का जो दूध काटते हैं उसका टाइम हो गया तो वो आवाज़ें लगा रहे हैं, तो बर्तन मैंने साथ के साथ वॉश कर दिए हैं। कुकर रह गया है बस, कुकर की सब्ज़ी पलटूँगी, काई चीज़ में डालूँगी, फिर कुकर को भी साथ के साथ वॉश कर लूँगी। ये हमारी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसे मैं एक बार चमचे से इस तरीके से यूँ करके थोड़ा सा घोट लूँगी। मैं जो भी कोई सब्ज़ी ऐसी होती है तो उसे थोड़ा सा घोटना प्रेफर करती हूँ। वैसे ही आपकी इच्छा, आप घोटना चाहें या आलू को साबुत रखना चाहें, इससे आलू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अच्छा लगता है यार। इसमें पतीले में डाल दिए, अब कुकर को मैं वॉश कर दूँगी। और सिंक होने का एक फ़ायदा ये हो गया कि थोड़े से बर्तन होते हैं साथ के साथ वॉश कर लो, क्योंकि जो बैठ के बर्तन धोने का एक फ़ायदा ये हो गया है कि अगर थोड़े बहुत बर्तन हो तो साथ के साथ वॉश कर लो, क्योंकि जब थोड़े बर्तन हो और बैठ के धोना हो तो थोड़ा सा ना आलकस आता है कि इतने से बर्तन लेके बैठो, बाल्टी में पानी लेके बैठो, फिर पूरा फर्श गीला हो जाए, क्योंकि बैठ के जब बर्तन धोएंगे तो गीला तो फर्श होगा ही, तो वहाँ साइड में सिंक लगी रहती है। थोड़े बर्तन होते हैं साथ के साथ मैं वॉश कर देती हूँ, बहुत सुख हो गया, बहुत ज़्यादा सुख हो गया। अगर किसी को भी मेरी तरह ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप भी इस तरीके से DIY सिंक बनवा सकते हैं, बहुत काम हल्का हो जाता है, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है हमारा काम। और मैंने कुकर धोने जाना है, सब्जी मैंने पतीले में पलट दी है, तो कुकर वॉश कर लेती हूँ और हवा बहुत अच्छी चल रही है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ये तो मैं सुबह ही बोल चुकी जब व्लॉग शुरू किया था मैंने, सुबह नहीं आज तो मैंने इवनिंग से व्लॉग शुरू किया है। हाँ आज मैंने इवनिंग से व्लॉग शुरू किया है और 6:30 बज चुके हैं, सब्जी बना दी है और मैं अपने लिए रोटी बना के आ चुकी हूँ मुझे, क्योंकि लग रही है भूख। मैंने सुबह मतलब दोपहर का खाना मैंने 11 बजे खा के और उसके बाद वीडियो एडिट करने बैठी थी मैं, जो मुझे कल के लिए डालनी है वो एडिट करने बैठी, और फिर मैं मम्मा का फ़ोन आ गया, मम्मा से बात करी मैंने और बस यही था, और फिर मैं सो गई थी। आँख में दवाई डाल के आँखें बंद करे 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 मुझे नींद आ गई और फिर मैं सो गई, तो ये हुआ। नौरते शुरू हो गए हैं, आज पहला नौरता है, मैंने व्रत नहीं रखा है, मैंने फास्ट नहीं रखा है और बस यही है, क्या बताएं, चल रही है गाड़ी। और मैंने आपको बताया था ना पोछे की वजह से बवाल आस पड़ोस में, यार आपको पता है गांव का माहौल कैसा होता है, तो कोई भी ऐसी कुछ चीज़ होती है तो लोगों को लगता है कि आप
फालतू की चीज़ें खरीदते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बोलना होता है लोगों का, मतलब जितने मुंह उतनी बातें, वो वाली बात है। तो जितने लोग देखते हैं उतनी बातें बनाते हैं। वो तो शुक्र है मैं घर में रहती हूँ, पर जो ये बाहर जाते हैं तो इनसे बोल देते हैं कि तेरी बहू ने तो ऐसे किया, तेरी बहू ने तो ऐसे किया, तो फिर ये मुझे घर पे आके बताते हैं। तो मैं बोलती हूँ फिर आपने क्या कहा, तो ये कहते हैं कि मैं जवाब मुझे देना होता है मैं दे देता हूँ, जैसे कि जो काम की चीज़ें हैं वो तो लानी पड़ेंगी, तो ये जवाब दे देते हैं। पर यार मुझे समझ नहीं आता लोगों की थिंकिंग कैसे बदली जाए, कैसे बदली जाए, लोग क्यों इतना ऐसा सोचते हैं यार, पता नहीं यार, समझ नहीं आता। इवन जब वॉशिंग मशीन, जब शादी के बाद हम वॉशिंग मशीन आई थी हमारे, मतलब जो मुझे मेरे मम्मी पापा ने दी थी, तो उसमें मैं कपड़े धोती थी, तो लोग यहाँ पे बातें बनाते थे कि वॉशिंग मशीन के कपड़े अच्छे नहीं धुलते, हाथ से कपड़े धोने चाहिए। आज वही लोग वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं, आज वही लोग, मतलब कि जो काम पहले नुक्स निकाल दो उस काम में, और फिर वही काम तुम लोगों ने भी करना होता है। मैं स्टैंड पोचा वाला, पहले मेरे पास ये वाला पोचा नहीं था, जो 150-200 रुपए का जो पोचा आता है, नॉर्मली सिर्फ पोचा आता है, वो पोचा यूज़ करती थी। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ख़रीदा है, और वो भी मन में था कि मुझे ये वाला पोचा लेना है इसलिए। तो लोग, इससे कोई पोचा लगता है, ऐसे पोचा मार देते हैं, खड़े खड़े कोई पोचा लग जाता है, बैठ के मारो पोचा, ये मारो, फलाना मारो। आज उनके घरों में भी तुम्हें स्टैंड वाले पोचे मिल जाएंगे। मतलब बातें हैं, लेट डाउन करते रहते हैं, नीचा दिखाना होता है लोगों को, ये है। और ना मैं जल्दी से किसी को जवाब देती नहीं हूँ, बहुत बर्दाश्त करने के बाद ही मैं, जब कहते ना पारा हाई हो जाता है तभी मैं जवाब देती हूँ, अदरवाइज जो कुछ बोल रहा है अपने लिए बोल रहा है, उसकी थिंकिंग वैसी है, वो उस लेवल का है, तो मैं ये सोचती हूँ वो है ऐसा, तो इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। पर जब लिमिट ही ज़्यादा क्रॉस हो जाती है ना, तभी मैं जवाब देती हूँ, अदरवाइज मैं जवाब नहीं देती हूँ। जो बोल रहे हो अपने लिए बोल रहे हो, जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, इससे तुम्हारी थिंकिंग का पता चल रहा है कि तुम किस मेंटेलिटी के हो, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, और फिर छोटी सोच होने के बावजूद तुम बाद में वही काम कर रहे हो, भाई हद है। या तो तुम नुक्स मत निकालो या बाद में वो काम मत करो, करना वही है। तो चलो आज का था यही मेरा छोटा सा व्लॉग, मैंने आपके साथ शेयर किया, जो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ यार लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते यार। अगर आप एक बंदा भी मेरी वीडियो को देख रहा है तो अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर कर दो ना, व्हाट्सअप ग्रुप में, आपके पास व्हाट्सअप में कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे उनके पास शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, टैग कर दो फेसबुक पे, प्लीज़ यार शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, टैग शेयर सब कुछ करना बिल्कुल फ्री है, और देखना भी बिल्कुल फ्री है, तो क्यों नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, नई उम्मीद, नई होप, नई आशा, नई उमंग और नई जर्नी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।